लोकसभा चुनावों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और पार्टियों के नेता एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पार्टी को वोट कटुआ पार्टी कहने पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया है। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अनुराग ठाकुर के इस बयान को हास्यप्रद करार दिया है। लोकसभा चुनावों में आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है और पार्टियों के नेता एक दूसरे पर टीका टिप्पणियां करने में लगे हुए हैं। बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पार्टी को वोट कटवा पार्टी कहने पर कांग्रेस ने कड़ा ऐतराज जताया है। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अनुराग ठाकुर के इस बयान को हास्यास्पद करार दिया है, क्योंकि अनुराग ठाकुर की जमीन खिसकती जा रही है, जिस कारण अनुराग राष्ट्रीय नेताओं पर बयानबाजी कर रहे हैं। साथ ही सुक्खू ने सीएम जयराम ठाकुर पर चुटकी लेते हुए कहा कि अपनी सीएम कुर्सी डगमगाते देख जयराम ठाकुर की जुबान बार बार फिसल रही है। सुक्खू ने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में एक बार अपनी हार को देखते हुए अनुराग ठाकुर बौखलाहट में बेतुके बयान दे रहे हैं, जिससे अनुराग की घबराहट का साफ पता चल रहा है। अनुराग ठाकुर जी का ये बयान बड़ा हास्यास्पद है। उन्हें हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में अपना ख्याल रखना चाहिए। उनकी जमीन खिसकती जा रही है और वो कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी के खिलाफ जो बोल रहे हैं, वो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के में रहकर अपने पहले लोगों को अपने दर्शन करवाएं। और निश्चित रूप से इस बार अनुराग ठाकुर जी अपनी जमीन खिसकती देकर राष्ट्रीय नेताओं पर जो टिप्पणी कर रहे हैं, उनसे उनकी घबराहट का पता लग रहा है। वहीं सुक्खू ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर चुटकियां लेना बंद करे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सीएम को अपनी कुर्सी की चिंता सता रही है और अपनी कुर्सी डगमगाने की सूरत में सीएम अपनी जुबान पर काबू नहीं रख पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री महोदय दबाव में काम कर रहे हैं, कहीं उन्हें को अपनी कुर्सी का खतरा तो नहीं नजर आ रहा है, तभी वो ऐसे अमर्यादित भाषा का प्रयोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के प्रति कर रहे हैं। मुझे लगता है जो उनके शुभचिंतक दिल्ली में बैठे हैं, वो उनकी कुर्सी को डगमगाने की कोशिश कर रहे हैं और इस प्रयास में जहां मुद्दों पर बात होनी चाहिए, प्रदेश में कितने लोगों को रोजगार मिला, देश में कितने लोगों को रोजगार मिला, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर टिप्पणी करने से परहेज नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है वो मुख्यमंत्री दबाव में काम कर रहे हैं, उन्हें अपनी कुर्सी का खतरा सता रहा है।